हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जिनका भी फार्मेसी का रिन्यूअल कार्ड आ गया है, कैसे चेक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूपीपीसीआई के वेबसाइट्स पे जाएंगे। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और अपना यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद एक कैप्चा है, कैप्चा को फिल कर लीजिएगा। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। जैसे ही, सॉरी 1 मिनट, पासवर्ड ही गलत बता रहा है, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। सॉरी, सेवन 9 6 9 6 9 5 8 4 8 7। तो ऐसे आपको प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। उसके बाद कैप्चा को फिल करके सीधे आप वेबसाइट्स पे चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे आएंगे तो आपका सीधे मेन डैशबोर्ड पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो पहला ऑप्शन है, रिक्वेस्ट फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर रिन्यूअल कार्ड व्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस। और यहाँ पे आप अगर अपने पहले से कर चुका है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस भी सबमिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हमारा पहले से वेरिफिकेशन हो चुका है। इधर डाउनलोड रिन्यूअल कार्ड, तो यहाँ से हम रिन्यूअल कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। डाउनलोड हम कर लेंगे, अभी थोड़ा सा हम दिखाते हैं। तो यह देखो मेरा खुद का है। तो यह रिन्यूअल कार्ड यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा है रिन्यूअल अंडर रूल 6(2) उत्तर प्रदेश फार्मेसी रूल 1955, ठीक है। बाकी का यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे हैज बीन रिन्यूअल 10/2/2023 के लिए यह रिन्यूअल हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह मेरा हो चुका है। ऐसे आप कोई भी ग्रीन कार्ड को नए वाले डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का कोई क्वेरी होगा तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और फिर ऐसे आप वेबसाइट पे आ जाइएगा, और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, अभी तक तो सारे लोग अप्लाई कर दिए होंगे, वो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, अप्लाई फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन पे जाके, ठीक है। मेरा पहले से सबमिट है तो आपको सबमिट कर देना होगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, आप जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और ग्रीन कार्ड दोनों अपलोड कर देना होगा यहाँ से, बाकी का पेमेंट कर देना होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो जिनका रिन्यूअल हुआ था वो अभी आ चुका है, वो आके अपना